Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's episode will be presented in English and Chinese with subtitles in Arabic, Alaxis, also known as Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Telugu, and Thai. Namaskar ani Subhadin. Sundar Dasakaru. Mero naam Adarsh ani ma Adhyatmik Nepal ko Kathmandu bata. नेपाल दक्षिण एशियामा पर्ने एक हिमाली राष्ट्र हो जुन अनेकौं सम्पदाहरूले भरिपूर्ण छ। यति सानो क्षेत्रमा पनि भूबनोटको यति धेरै विविधता, दक्षिणको उष्ण तराईदेखि उत्तरका भव्य हिमालयसम्म यसमा सामेल छन्। विश्वको सबैभन्दा विख्यात एवं सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पनि नेपालमा नै पर्छ। वास्तवमा विश्वका सर्वोच्च शिखरहरूमध्ये 8 नेपालमै पर्छ। आध्यात्मिक आशिषले अभिभूत यो भूमि शाक्यमुनि बुद्धको जन्मथलो पनि हो, जसको जन्म 2500 वर्ष अघि लुम्बिनीमा भएको थियो। विश्वभरका बौद्ध मार्गहरूका लागि लुम्बिनी एक पवित्र भूमि बनेको छ। यस देशमा अनेक महान मन्दिरहरू पनि रहेका छन्, जस्तो कि स्वयम्भूनाथ स्तूप अर्थात् मङ्की टेम्पल। तीर्थालु एवं पुजारीहरू त्यहाँबाट हिँडेपछि उक्त मन्दिरलाई हजारौँ बाँदरहरूले आफ्नो घर बनाउँछन्। यसबाहेक नेपाल अनेक चाडपर्वहरूको लागि पनि प्रख्यात छ। एक वर्षमा जति दिन हुन्छन् त्योभन्दा पनि बढी यहाँ चाडपर्व पर्छन्। नेपाल साँच्चै नै एक मनोरम स्थान हो। मनोरम नेपाललाई यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्न पाउँदा हर्षित महसुस गरिरहेका छौँ। पृथ्वीमा जीवनलाई उज्जवल बनाउन यहाँहरूको सकारात्मक ऊर्जाको योगदानका लागि धन्यवाद। तीन दशकभन्दा लामो अवधिदेखि परम गुरु चिङहाईले आफ्नो आध्यात्मिक शिक्षाको प्रकाशद्वारा विश्व चेतनालाई जगाउँदै आइरहनु भएको छ। एक पूर्ण आत्मज्ञानी गुरुको रूपमा आफूभित्रको ईश्वरीय तत्त्वलाई तत्काल जान्न चाहने एवं जन्म मरणको कुचक्रबाट यही जीवनमा नै पूर्ण मुक्ति प्राप्त गर्ने प्यास भएकाहरूलाई उहाँले क्वान यिन ध्यान विधि सिकाउनुहुन्छ। सबै आत्मज्ञानी गुरुहरूले यही क्वान यिन ध्यान विधिको साधना गर्नुभएको पाइन्छ, जस्तो कि बुद्ध, जिजस क्राइस्ट, प्रोफेट मोहम्मद, उहाँमा शान्ति रहोस्, अनि गुरु नानक। उहाँले के कुरामा जोड दिनुहुन्छ भने, यदि सदा ईश्वरको मनन, अन्य प्राणीहरूको निस्वार्थ सेवा साथै यस ब्रह्माण्डको नियम पालना गरेमा हामीले हाम्रो मानव जीवनको सर्वोच्च सम्भावनालाई प्राप्त गर्नेछौँ अनि पृथ्वीमा हाम्रो जीवनको उद्देश्य स्पष्टसँग बुझ्नेछौँ। परम गुरु चिङहाई करुणाको आदर्शमय जीवित उदाहरण हुनुहुन्छ। उहाँले अनवरत रूपमा राहत सामग्री, आर्थिक सहयोग अनि
प्रेम को संप्रेषण द्वारा शरणार्थी घरवार विहीन प्राकृतिक प्रकोप पीड़ित का साथ ही राहत को आवश्यकता परेकाहरूलाई सहायता गर्दै आउनुभएको छ। 2006 मा उहाँलाई गुशी शांति पुरस्कार प्रदान गरियो। यसलाई पूर्व को नोबेल शांति पुरस्कार को रूप में लिइन्छ। यसको साथै विगत वर्षहरूमा परोपकार एवं मानवीय सेवा को क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य गरे बापत उहाँलाई कैयौं पुरस्कार एवं सम्मानहरू प्रदान गरिएको छ। हाम्रा सुन्दर जनावर मित्रहरूको लागि एक बुलन्द आवाजको रूपमा उहाँले शान्ति र प्रेमले पूर्ण शाकाहारी भोजनलाई बढावा दिनुहुन्छ अनि एक यस्तो विश्वको परिकल्पना गर्नुहुन्छ जसमा सम्पूर्ण जीवहरूको जीवनको महत्त्वप्रति संवेदनशील मानवताको उदय होस्। एक शान्तिपूर्ण एवं स्वर्णिमपूर्ण शाकाहारी विश्वको उदय होस् जहाँ जनावर र मानिसहरू आपसमा सुमधुर सम्बन्धमा बसोबास गरून्। पूर्ण शाकाहारको प्रचलन फैलाउने पहलस्वरूप उहाँले अनेक तवरले प्रयास गर्नुभएको छ, जस अन्तर्गत वैकल्पिक जीवनशैलीको प्रचार वितरण, पूर्ण शाकाहार रेस्टुरेन्ट, लभिङ हटको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल, सुप्रिम मास्टर टेलिभिजन अनि त्यसै गरी प्रभावशाली सरकार एवं सञ्चारका अगुवाहरूसँगको लगातार संवादको साथै टेलिभिजनमा प्रसारित जलवायु परिवर्तन सम्मेलनहरूमा सहभागिता रहेका छन्, जुन हामीले याद गरेको या नगरेको पनि हुन सक्ला। उहाँका प्रयासहरूको फलस्वरूप विश्वभर व्यापक एवं प्रभावकारी रूपमा जनचेतना फैलिएको देखिन्छ, जसमा जनावर मैत्री जीवनशैली र यस्तो करुणाशील जीवनशैलीले पृथ्वीलाई जलवायु परिवर्तनबाट बचाउनुको साथै राष्ट्रहरू बीच ल्याउन सक्ने दिगो शान्तिको सम्भावनालाई लिन सकिन्छ। विगत वर्षहरूमा परम गुरु चिङहाईले विश्वव्यापी रूपमा यात्रा गरिरहनु भएको छ। अमेरिकादेखि अफ्रिकासम्म, युरोपदेखि ओसिनियासम्म, साथै सार्वजनिक रूपमा अनि आफ्ना शिष्यहरूसँग विविध आध्यात्मिक विषयहरूमा सयौँ प्रवचन दिनुभएको छ। ती प्रवचनहरूमध्ये आज एउटा प्रस्तुत गर्न पाएकोमा हामी धन्य महसुस गर्दछौँ, जसको शीर्षक छ, नैतिक चेतनालाई बलियो पार्न दैनिक प्रार्थना, पाँच भागमध्येको चौथो भाग, जुन बिटविन मास्टर एन्ड डिसाइपल्समा अङ्ग्रेजी र चाइनिज भाषामा सन् 2017 डिसेम्बर 3 फर्मोसा पनि भनेर चिनिने ताइवानको सिउमा दिइएको प्रवचनको अंश हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। या, नि सु वा? शि बु नि हाओ। हाओ, नि हाओ। शि बु जिन तेन फेई चांग मेई ली। ओ, थैंक यू。 不要让我害羞。Yes， 我有一个好消息要报告师。太好了，好消息，我喜欢听了。讲了讲了。大陆的政府开始关停畜牧业，拆迁畜牧业。从2016年，在北京、上海重要的城市就已经做了。今年年底，全国都动起来了。大陆的政府现在，有秩序的关停畜牧业。关停机场、租场，而且是规模比较大的。有一个县城是山东的一个县城，关停了3700多家。我觉得这是一个对师傅来说是一个很大的回报。嗯，太好，谢谢。感谢师傅的加持。对人民好就好了。嗯、OK， 大陆改变了。好，太好了，谢谢师傅。好，恭喜大家，恭喜你们的政府。走对的路就是政府嘛，正啊 ，OK， 要走正的路，不过你们也要了解政府哈，他们也是很忙，忙又照顾很多事情，所以什么事，如果我们不马上显露的话，要慢慢等。OK， 有耐心，哪一个政府都一样，他们要有时间啊。
了解吗？哎，要有时间，嗯，而且社会要安稳了以后，政府才有一点时间想啊，头脑比较想得通啊。大家都一时脑乱啊，就动一动就麻烦政府的话，当然他们也累了，懂不懂？没办法想的那么周到啊，就是这样，两边都要谅解了，政府也要了解人民，人民也要了解政府，世界才和平，最少那国家才和平。OK， 行了，谢谢了。现在大陆很好，你们很好，对政府好，我高兴。嗯，谢谢。嗯，啊 ，no problem。还有吗？大陆还有问吗？太好了，还问什么嘛？看师傅的那个影片就都了解了。嗯，不了解的话多打坐了。OK。好，师傅好。哎。你好，我是从中国大陆辽宁来的。哎呦，从葫芦岛锦州，好远哈。多久才到的呢？嗯，两天吧。两天。嗯，两天从辽宁啊。啊，太远是不是？不远，不远。见到师傅多远都不远。那为什么两天呢？我飞机，然后啊，转机呀，滑车等等是吗？嗯嗯。转机啊，哦！哦，谢谢你来看了，嗯，多看几眼。我感恩师傅，我谢谢师傅。哦，我好感动啊！我有对不起师傅地方，才都二十年了才看师傅。啊，为什么还对不起我？那才来看师傅，感觉高兴了，晚了，高兴的。高兴来不及啊 ！OK， 哇！今儿让我带着孩子来认亲了。哪里？哪个孩子讲？站起来看看，哎呀，他不是孩子，他已经好汉了，长那么大了，好看的男孩子，谢谢妈妈，好漂亮，谢谢。我代表葫芦岛的同修和那个锦州同修向师傅妈妈问好。好，我问好他们 ，OK。好，好，好了，我没有别的问题。好，谢谢。啊，谢，我很感动啊，两天了，哦天，我的天。两天才能到这边看师傅，不过还是很好呢，知道吗？哎，能看得到哈？嗯，不远都不远。哎呀，啊，不管远不远了，能够看到。OK， 你们还好吗？冷不冷？哦，人那么多，怎么会冷呢？由于我单独了，单身匹马了，要披这个。我想哈，两天不过已经很好了。以前那个玄奘大师哈，他走路的，哎，有一只马了，不过有时候要见了，听懂吗？走路好久才到印度是吗？而且那个时候佛已经不在了，到那边拿到几本书又空空的，看不见任何字。哎呀，本来法是不是用书，不是用语言传的嘛？意思是这样啊。嗯，我们印信的时候也不是说用语言传的，是吗？语言就是解释你怎么做，你怎么注意而已，不是说用那个传的，是吗？哎，所以即使是服务在，也可以传的，是吗？哎呀，因为这个不是空间的问题，嗯，也不是用语言可以传的，啊，心传心嘛，自古以来都这样，嗯，所以两天，其实我是很感动啊。哦，两天了才能来到这边呢，也是蛮诚信的，是吗？不诚信怎么能两天也这么辛苦来呢？嗯，我那个时候我从德国去印度，我已经觉得很辛苦了呢。不过很高兴，很愿意做，不是说不知道辛苦。那、爬喜马拉雅山，不是说不知道辛苦，不过很愿意做，很愿意。就是一样，因为我们要的东西的话，我们用心做啊，所以没关系啦，两天啦，我很感动。不过你能来就好了啊，你能不能想象古代的时候，你用游泳过来呢？啊，还多久天呢？啊，游泳以前还要走路很久，啊，意思说。骑马骑驴也是很长的时间，是吗？所以现在我们很有福报了，是不是啊？我觉得我生出来到现在福报满满的，我看到都是福报的啊！我生出来就有滑车了，是不是已经有滑车可以坐了，是吗？那个时候啊，然后啊，越南就不再打仗了，不跟国外打仗了，也是和平了。
然后又发明很多东西呀、啊。以前我们根本没有什么电话，是吗？啊，现在哦，谁跟谁讲话都没关系，台湾冲到美国就可以当面看的，了解吗？哎呀，然后电话、电脑还有飞机，哇！啊，我觉得我们这个时代很有福啊！我从我生出来到现在，我没有什么抱怨的。你们呢？没有，嗯、没有，当然好的、啊。国王以前不会比你们好的，我常常说了，是不是？国王如果以前要来应聘的话，就也要走路游泳。哎呀，因为船那个时候。船也不怎么很那个舒服呢，是不是？还要带一大队军队来，两边都一次划啦，划的要划不下去的，才能到海岸来啊！国王也是很辛苦啊，坐马那些也是砰砰砰，哇，很不舒服呢，懂不懂？我们现在坐一些那个叫那个 sport car 跑车，哦，还是很不舒服，嗯。像那些我不要讲，我怕人家认为我破坏他们的名誉。一些那个跑车哈、啊，哇，好累啊！我坐过好几步了，他那个后面很不舒服，懂吗？他走快没有错，不过他车子很低嘛，因为地仔跑快，好像这样啊。然后那个什么里面的设备也是很。减少为了跑快啊，所以没有那么厚的那些垫什么。我做那几步，哇，没有一步我喜欢的。我宁可做什么普通的，连玉龙也比较舒服。台湾做那个啊，玉龙也蛮舒服的。不要做那些那个 sport 车，我受不了，了解吗？你们能不能想象，那个 sport 车就是模仿那些以前那个马车的，就跟那个骑马的那些一模一样。不舒服，嘎嘣嘎嘣嘎嘣嘎嘣，你那个的后面，他抱怨你一大堆。不过那个时候没有选择，还是也是这样做，了解吗？哎，所以我们现在都是国王的了啊！你们生来这个时代，我不晓得以前是怎么样。我们爸爸妈妈的，我爸爸妈妈我不知道了，就是我这个时代了。我生出来就觉得福报蛮深的，去哪里都有火车啊、飞机啊、机车啊，所以不要回去以前当王了 ，OK？ 不要回来当国王以前那个时代，不要退步回来了啊！那太好了，我们世界太好了，不用抱怨了哈。啊，我说两天也是蛮长的时间了，你还好吗？好。嗯、啊、嗯。啊长大了不怕哈，两天哦也不怕哈，哎呀，大陆太大嘛，所以我们才叫做大陆。然后我们台湾人就叫他们台湾人呢，私底下都跟我说那些大哥啊，意思说大陆的政府我不要跟他们讲，不过也不会怎么样吧，啊，大哥就。尊重的嘛，是吗？意思说他们大陆政府就是他们说那些大哥了，大哥怎样怎样的，懂不懂？ Wow, imagine if you were born in China, in the other side of China, not near Taiwan, China. Oh, you have to go 2 days or some 3 days even, right? More, huh? Nowadays they have very fast train, still, but it's a long way from one end of China to the other end, and then from there to Taiwan, huh? Yes, different story. Oh my God, 你们大陆人非常诚信啊，非常诚信啊。啊，为什么感恩我？说你们诚信，你们就感恩师父，我才感恩你们呢、啊。感恩你们当好人呐、啊，懂不懂？一个好人的话，对社会多一个好的帮手，懂吗？哎，多一个好家实力，哎，所以我感恩你们，感恩来不及了。而且大陆的人那么大的地方，然后走那么远，要换先要坐，也许马车，然后计程车，对啊，有一些偏僻的地方还有马车呢。我在印度，在喜马拉雅山都走来走去，都是跑步的，那边都没车子，路也没有可以有马可以去的啊，走路。OK， 在森林里面呢、啊，爬山呢、啊，爬河了就没有什么车子的。
是有地方有车了，不过不是每个地方能够坐车，不管你有没有钱了、啊。有一些他们去朝圣啊，去拜拜啊，就用人带的。嗯，有一些有钱啊，他用人带的。嗯，其实马也跑不过去很多地方，懂吗？有一些马他们就因为勉强他们走过去那个瀑布的地方或是河的地方，哇、哦，看我看马好辛苦，我心好疼好疼的。我幸好他那个马那边他们没有弄鞋子给他，然后他走了，有时候那两个贴裂出来这样子，哦，我真受不了啊！然后我就跟那个和尚讲啊，一个去朝圣的和尚讲，我说哇，真是太痛苦了，怎么去拜上帝去拜神，让人这么痛苦？有一些贫穷的人也没有鞋子穿啊，脚都裂出来了，流血一点了。我说怎么去拜上帝这么苦啊，就拜上帝那么苦，为什么上帝让人家拜那么苦啊，干什么的，这样怎么有多少福报，人家虐待人都这样，还要虐待马。然后那个和尚好开悟啊，他就说啊，你不知道啊，那些带人的那些配人那些工人啊，就是不同的，他们大概是上帝派下来的，没有他们更糟糕。然后那些马也是那个大概是天使下来的，做马给人家帮助的。他这样讲跟我说，那些不是普通的。然后那些去拜上帝这些也不是普通的。他能够认同上帝啊，认识上帝才能上来拜啊。我说这辈子我没有看到上帝，我就看到痛苦的人而已。因为他们去拜那些以前呢、名士走过的地方，或是在那边住过的地方、修行的地方。以前的名士住宿都是在喜马拉雅山很高啊，躲起来打坐嘛。对人就腻了，讲不听了，叫不动了，不想叫人了，都上去很远的地方，喜马拉雅山那个偏僻，没有人想走的地方，了解吗？所以他们现在人啊。诚信的人都是从那个很远的地方，另外一边的那个印度啊，通通都走路啊，坐滑车什么，能省多少钱就省多少，啊，吃饭也没有什么多少，然后就跑到那些远的地方，每个地方都拜拜一下，然后走另外一个地方要拜拜，走另外一个地方拜拜，好辛苦，好辛苦。还有西藏的人哇，要更诚恳呢、啊，一步一拜。散步散拜，好远的地方啊！不是说从这边你就拜到那个森林大殿下面去吃饭，不是这样啊，几百几千公里啊，了解吗？然后一起来就吃一点什么东西，然后擦洗自己。如果有谁的话，没有的话绝不能啊。这喜马拉雅山不是每个地方都有那个水龙头给你开啊！你们来这边看师傅，我也不能做什么啊。我们水这边本来没有啊，我们就挖井出来的，然后有什么就用什么，我们只有过滤过了 ，OK。然后有水够用吗？有吗？够吗？哎呀，这样已经很好了。不用感恩，我意思说不用抱怨就好了。又给我还要多照顾一样事情，懂吗？然后我住给他们那个一块地很大，几年都放空了，没人照顾，我回来还是要自己照顾，照弄这个弄那个，哎呀，弄灯弄这些给你们那个端住的，还有一些箱子哈，你们也可以放行李啊，不然的话如果下雨太多的话就放行李在像这种地方，自己在里面啊躲起来温暖打坐 OK 哈。我只能这样做而已，这个地方不是要盖房子的地方哈，因为我本来没认为你们来这么多人嘛，我只有那个时候十几个出家人而已，十几个，我是二十多个，然后我买一块小地在下面，现在咖啡店那个地方，然后旁边那些也几个帐篷，那个几个棚起来那个地方就是我们的地方，然后就没水了。这边不是公共的水，是我们自己造出来的。那个挖地的啊，然后就越来越多人了。本来我住那边了，然后就太多人来了，
我本来不要让人来，人家再来敲门呢、啊，不来不让进来不行呢、啊。好，那我让进来，让进来要多住一块，我就上来这边住。那我又不行了，然后跑到竹林上面住，又不行，又这都越来越刺上去。好，又跑到国际园了，然后又也不行，要跑到诗词园也不行，要跑到后面呢、那个太阴山后面很远的后面也不行。出家人越来越多，他们也占了。不是你们站的话，就是出家人来站，然后我就跑到我现在那个地方。我们这边又不是说要买地就买地啊，了解吗？我神就来买给你们也不行啊，了解吗？有时候你们大概没福报，也不能怪那个卖主 ，OK？ 不能怪他们，就造业障哦，是你们自己怪自己不够福报，不是你们这一团呐、啊，意思说。啊，另外呢，大概另外一种不是我们吧？不是了，师傅也很尽量了，懂不懂？节省出来也不敢用多少了。这神要买地给你们也不行，在欧洲也找到几块也不行，自然就变成不同的东西啊，懂不懂？不同的那个信息，不同的情况就买不到。好了，算了，我们修行的人自足。满足吧，啊，哎，对不起了，呵呵对不起，哎呀，不过这种可以改了，我有一个屋顶就好了嘛，啊，你们多穿衣服吧，啊，几天没有洗澡没问题吧，当和尚，啊，当和尚一天两天。一个礼拜两个礼拜一个月两个月 OK 以前呢跟佛走的就不能洗澡哦，两个礼拜才能洗一次啊，因为那个印度嘛水小啊，到处都跑，不是每个地方都那个世祖不能全部贡献出来给几千的和尚啊，两千和尚，懂吗？啊 OK 了，好，那我走了，让你们休息哈，谢谢，谢谢来看。还有没有人比他还要远呢？还三天，呀？在哪里？他是黑龙江，我是西宁。哦，你们两个黑龙江，哦，更远哈。啊？蒙古里啊？蒙古里啊？比黑龙江还要远呢。Three days. Oh my God. And you, how many days? 你多少天？我在这里，新疆。新疆更远呐、啊？最远的。我从俄罗斯飞过来，飞到北京飞12个小时，12小时又飞到从北京飞到香港，香港到台湾3天时间。3天时间，你最远是5天吗？3天半，3天，比较多一点，了解。也不远，师傅。不远哦，我很对不起。我们是那个朝鲜族，北朝鲜那个边境的，东门那边延吉那边、那边过来。不过呢，也一天就是飞机啊。看飞机顺不顺了、啊？对对对，如果被船去才比较远，是不是？啊，好可怜哦。谢谢师傅，感恩。新疆啊，什么新的新？新旧的啊，新的旧的新哦，新的江山太好了，新的江山是好的啊。哦，这么严哈、哦，哇，很对不起的 ，Thank you， 谢谢，多谢你们那么诚心了、啊。好，那个原来的给我一些，给他那原的两三天那些来过来，两三天才能到的，来，两天那些三天的，啊，一天也要来，啊，一点点好吗？一点点好吗？都是两天的，三天的。哦、oh, ，God， 两天三天都是啊，哦、oh, ，好可怜。OK， 一人摸一下就好了。You two days, you also have to come. Oh, the European， 那个欧洲的人也两天才能来。You come this way. Oh, I'm so sorry. This is only for people who have to come 2 days, 3 days. Okay.In order to come here, it's very long way and changing car, changing train, changing airplane is very difficult. Okay, so not everybody come. Okay. Okay.
慢来 ，OK， 慢来，来，好，哎 ，Sorry, here you are from Chicago. Take 2 days. I have a 16-hour layover. Oh, 16-hour layover. Oh, my God. Oh my God. I am so sorry. Thank you for your love. Thank you for your love. Just for fun.Okay, you guys can go now. here, my love. Okay. 新疆的，也是新疆的啊。哦。妈咪。新疆。I'm sorry. Okay. 韩国。Where you from? Korean. Korean. Sorry.You want to come here? 让和尚上来，不要挤他，你坐这里好了。OK， 拜托，坐一下。你懂中文吗？懂中文。对啊。太好了。OK。啊。OK。Sorry。两三天才能来的。OK。欢喜喜。来。Here。妈咪，我爱你。我爱你。Yeah, for all the foreigners. Okay, yeah, together. Yeah, one each. Okay, sorry, don't have a lot. 谁没有？从哪里来？山东淄博。多久？两天了。哦，多。哦，多数都是两天、三天了。好可怜。Oh my God. 来。You better take this. Give it to her for the doctor. Yeah. You take it, okay, and protect it. Because if I forget, I will take it all, and then nothing will go. 这个是从意大利来的啊，因为意大利他们也做素食很多啊，这种本来在外面普通的找不到，慢慢吃。Yes. Yeah, you are my love. Oh, you're welcome. Didn't give you anything? Oh, anyone else? The new initiate did not have? New initiate don't have yet? 那个刚印新的就没有了。啊，来。比较原来的地方呢。啊， OK. 来。来啦。哪里来 USA. USA. OK. How many hours? 15? 16? 20? OK. 24, man. 24 hours? I thought you said 24 master. understand. 好。哎，不客气。你们那么原来，我没有很多招待，对不起。You are welcome.Here you go. Here you go, my love. Far away, yes. There you go. 24 hours. Also very long. I love you. 24 hours. Also very long, huh? There you go. Germany, huh? From Germany, right? Hamburg. How many hours? 18 hours. Wow, also very long. 从哪里来？啊？北京就不久了，啊，黑龙江 ，Indonesia 不远呢，大陆来才远呢、哦啊，大陆不够远的地方不是那么近呢、哦，大陆好，好你好，大陆来的是吗？来，哎。不管大陆都是很远的了，不管哪里也是蛮远的，是吗？就比较有一些比较更远而已。现在看谁有福报，因为我东西太少了，听懂没有？哦，别怪师傅哈。给老人家到前面好不好？没有的老人先来。
这个老人都来了吗？你们那陪老人回去。对不起，东西不多哈，对不起。这好吃啊，好吃。等一下，我还在这里，可以再看。北京，北京啊，北京不远吧？ Mongolian， come here， Mongolia also very far， here you go。 你有了吗？还没，来 come、来。 OK， 谁没有举手啦？没有的话过来前面。谢谢，客气不客气。来啦，老妈，老妈妈，不用跪，不用跪，领了就走了，别跪，拜托拜托，我不喜欢人家跪，跪就会痛啊。大陆跟Mongolia，Yes， here come Mongolia， Korea， everybody here have， 还没啊 ？OK， 不要那种崇拜，我不喜欢，来。讲过了，从来没叫谁跪，跪的膝盖会痛。Yes， 还有吗？大陆还有吗？European， come here， you want one？ Okay， here you go， stand up， 别跪，别跪，拜托，不要跪，我不喜欢，我别害羞，害羞，跪的我会害羞，没有什么错，为什么要跪呢？you okay then？ It's for me 。I'm not a supermarket here. Oh, please, you take one for love, symbol, okay? And then go, understand? 那个我们这边不是大市场的啦，东西给不完，一人一个象征，为了爱丽啦哈，爱而已，不是说为吃东西，你们家里吃不完了 ，OK？ 我对不起，东西少了，不是说不想给，Anyone who don't have？还有没有谁没有举手一下过来？还有没有美女的红哥来来来领你 ？A Korean don't have come. You don't kneel in front of me, okay? I don't like that. I want you to be happy and just come to me. That's enough. No need. Just look. Don't like this. You also see the floor and you bore a hole on my floor. Okay.我们爱是在里面就行了，别跪什么那些了啊。OK， 看没有？哎，你们如果看到和尚就让路 ，OK， 不要挤在他们的旁边。好。第一，不尊重；第二，让他们有一种不对的感觉 ，OK 哈。Everybody understand that？ Next time the monks and nuns sit on the stage together with the foreigner. Understand that？ If you cannot be a monk, at least you respect a monk. Understand？ Yeah？ Yes。我意思说，如果你们自己不能当和尚，最少尊重和尚，听懂没有？他们为了理想而抛弃所有的世界的东西的，权力的、名誉的、钱财的，听懂没有？听懂。他们值得尊重 ，OK？ 即使他们修行好不好，是不是你们家的事情啊？看到和尚要尊重，了解？了解。你们能做吗？能。你们能当和尚吗？OK， then you must respect a monk, okay? A nun anywhere, okay? Don't squeeze him around and don't compete with them. The Vietnamese all have already. Everybody have. Anybody who doesn't still don't have, raise hand, please. Mấy người có hết rồi phải không? Này không có. One.Yeah. Come here. Like this, it's slowly and quiet. Yeah? There you go. Everyone have? Really? Yes? I'm sorry, I don't have a lot. I would like to give you everything in this world. Just we don't have a lot of time to take care of all these things. Okay, huh? So this is just for love, symbol of love. Okay? You always have my love anyway. No need this symbol, but...By the way, we have it, so you can share. All right, huh? Thank you for coming. Mm-hmm.
प्रशंसनीय दर्शक वृन्दहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रम नैतिक चेतनालाई बलियो पार्न दैनिक प्रार्थना पाँच भागको चौथो भाग बिट्विन मास्टर एन्ड डिसाइपल्समा यहाँहरूको साथको हामी कदर गर्दछौँ। अन्य सकारात्मक कार्यक्रमहरूका लागि सुप्रिम मास्टर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। यसपछि आउनेछ चुवाङ छुका आन्तरिक शिक्षाहरू अध्याय 19 पूर्ण जीवनको बोध दुई भागको दोस्रो भाग वर्ड्स अफ विजडममा। तपाईँका पाइलाहरू विश्वासको मार्गमा चलुन् र उक्त पथमा प्राप्त महान ईश्वरीय उपहारहरूमा तपाईँ रमाउनुहोस्। मे यु वाक इन फेथ एन्ड इन्जोय अल ग्रेट गिफ्ट फ्रम गड द्याट कम योर वे। फर मोर डिटेल्स प्लिज भिजिट supreme master tv.com/bmd।